समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने हाल के राज्य विधानसभा चुनावों और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दुरुपयोग कर जीत हासिल करी। इसी के साथ साथ उन्होंने मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर बड़ा ऐलान किया। जी हां, आप सभी को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने विवादित बयानों के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के भी समर्थन में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की 3 राज्यों में जीत को लेकर कहा कि ये जीते नहीं है बल्कि इनको जितवाया गया है ईवीएम के जरिए। इसके साथ ही सपा नेता ने सनातन धर्म से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ शब्द है। अपने शिष्यों को संदेश देते हुए अंत में वे कहते थे कि जो मैं कह रहा हूं वही सनातन धर्म है। उन्होंने सनातन धर्म को मानने वाले पर प्रहार करते हुए कहा, ये तो नकल करते हैं, वे बौद्ध धर्म का सनातन लेकर बड़े सनातनी बनते हैं। इनके सनातन में और सच के सनातन में बहुत अंतर है। सच का सनातन जो आदिकाल में था आज भी वह एवं आगे भी रहेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर और मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर कुछ बातें कही। जी हां, सबसे पहले नीतीश की बात करें तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। इंडिया गठबंधन की शुरुआत और पहल उन्होंने की, वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो स्वागत योग्य है। साथ ही साथ अब बात आती है बसपा प्रमुख मायावती के सवाल पर क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पुरानी नेता रही मायावती को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में किसको आना है किसको नहीं ये तो विपक्षी चेहरे तय कर रहे हैं। और अगर बात रही मायावती की तो मायावती इतनी काबिल नेता है, इतनी दिग्गज नेता है, तो वह खुद तय करेंगी कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल होना है या नहीं। हम सलाह देने वाले कौन होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कहकर पल्ला झाड़ लिया क्योंकि मायावती ने तो यह तय किया है कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होते। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा के सालों तक साथ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी का कई सालों तक साथ दिया था और काफी बड़ी भूमिकाएं भी निभाई थी बहुजन समाज पार्टी में, अब जब बात मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लेकर आई तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह बात खुद मायावती तय करेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय इस मामले पर जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।